नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं कमोडिटी मार्केट क्रूड ऑयल के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एंड एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, एंट्री जितना इंपॉर्टेंट है, एग्जिट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना एग्जिट को प्रोमिनेंट कर पाए तो आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखे गया। कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा वेट करने के चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो इसके लिए एंट्री जितना इम्पोर्टेंट है, एग्जिट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आज को क्रूड ऑयल का फुल डे का एक परफॉर्मेंस दिखाऊंगा जो कॉल कैसे बन रहा है और एंट्री लेने का टाइम हम लोग क्या क्या चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फाइनली सिग्नल कैसे बनता है। जब तक कोई सिग्नल नहीं बनेगा आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे देखिए, कॉमोडिटी मार्केट में हम लोग को सबको पता है सुबह का टाइम उतना खास मोमेंट नहीं रहता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ने एक बाइंग का कॉल दिया है 12:40 पे, ऊपर में डेट एंड टाइमिंग भी शो कर रहा है। जब भी कोई कॉल बनेगा, ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है, दिस इज अवर सिग्नल। और जब भी कोई सिग्नल बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको ब्लू कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें उसका डिटेल्स लिख के आ जाएगा जो कौन सा वैल्यू में कॉल दिया है, उसका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। अब सोचिए, इस जगह पे खड़ा होके आपको सोचना है जो क्या ये कॉल सही है। कॉल तो आपको मिल गया है, क्या इसमें ट्रेड करेंगे या नहीं करेंगे। एंट्री लेने का पहले आपको तीन कंडीशन को हम लोग का देखना है, जिसमें से सबसे पहला कंडीशन है बाइंग का कॉल में नीचे का जो रिबन है उसका कलर को ग्रीन होना चाहिए, जो अभी भी हुआ नहीं है, रेड है, मतलब अभी भी मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग है। बाय का कॉल का पहले एक स्टार बनेगा ग्रीन कलर का, जो यहाँ पर नहीं बना है, सेकेंड कंडीशन में मैच नहीं हुआ है। थर्ड कंडीशन में नीचे का ये जो इंडिकेटर है, इसे हम लोग ब्रिक्स कहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, थ्री टाइप ऑफ कलर दिखेगा। नीचे वाला इंडिकेटर को ध्यान दीजिए, मेरा क्रॉस हेयर पे ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है। ग्रीन बाइंग के लिए, रेड सेलिंग के लिए, ब्लू मतलब है ट्रेंड रिवर्सल। बट मेन जो फैक्टर है वो है मिडिल में आपको एक पतला सा ब्राउन कलर का लाइन दिखाई देगा। अगर ब्रिक्स ब्राउन कलर का लाइन का नीचे गया है, जैसे यहाँ पर देखिए मैं सर्कल बनाया हूँ, यहाँ पर नीचे गया, इसका मतलब आप सेलिंग का तरीके यहाँ पर खेल सकते हैं, और जैसे ब्रिक्स ब्राउन कलर का ऊपर जाएगा तो बाइंग के लिए जा सकते हैं। तो ये तीन चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो मुझे दिखाई दे रहा है ब्रिक्स तो मेरा फेवर में जा रहा है, बट सिग्नल के साथ कोई स्टार नहीं है, ना ही नीचे का रिबन आपका ग्रीन हुआ है। अब देखिए, दो कैंडल वेट करने का बाद आपको दिखाई देगा जो इस कैंडल पे नीचे का जो रिबन है उसका कलर ग्रीन हो चुका है और स्टार भी बन चुका है। तो बोलने का मतलब है सिर्फ बाय का कॉल देने से आप तुरंत ट्रेड ले लेंगे ऐसा नहीं, थोड़ा सा वेट कीजिए कंडीशन मैच करने के लिए। जैसे एक कैंडल बाद आपको दिखाई दे रहा है स्टार बन गया, नीचे का रिबन ग्रीन हो गया, ब्रिक्स आपका फेवर में है, अब आप इस बाय का कॉल में एंट्री ले सकते हैं। भले 10 पॉइंट 20 पॉइंट कम प्रॉफिट लीजिए, बट जेन्युइन ट्रेड कीजिए। अब एंट्री लेने के बाद, जैसा आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया, आप क्रूड ऑयल में कॉमोडिटी मार्केट में सब कोई 10 पॉइंट 20 पॉइंट से हैप्पी हो जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो 40 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है, पकड़ लेता हूँ 40 पॉइंट में से इस कैंडल पे ही आपका 15-16 पॉइंट निकल गया है, फिर भी आप यहाँ पर आराम से 20 पॉइंट का प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड एंट्री लेने के बाद आपका जो मेन फोकस होता है वो है एग्जिट, जिसका बारे में मैं बात कर रहा था। एग्जिट के लिए नीचे का ये जो ब्रिक्स इंडिकेटर है इसको आपको फॉलो करना है। सोचिए, आप बाय करके अभी पैसा कमा रहे हैं, ऑलरेडी 42 पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, आप तब तक वेट कर सकते हैं जब तक ब्रिक्स ब्राउन कलर का लाइन का नीचे नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग एग्जिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एग्जिट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप अपना एग्जिट को प्रोमिनेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस कैंडल पे लंबा एक मूवमेंट किया है जहाँ पर आप लगभग 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट बनाए। देखिए, बाइंग का टाइम ऊपर में आपको एक ग्रीन कलर का डॉटेड लाइन दिखेगा, दिस इज द रेजिस्टेंस लाइन। तो ये रेजिस्टेंस लाइन को आपको देखते हुए अपना टारगेट अंदाजा लगा सकते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूँ रेजिस्टेंस चाहे कहीं पर भी रहे, फॉलो कीजिए आपका एग्जिट पॉइंट का तरफ। अगर एग्जिट आता है तो आपको कहीं पर भी निकल जाना है, अगर एग्जिट नहीं आता है तो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ के भी ऊपर जा सकता है।
देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे थे 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट दे दिया, और इस टाइम मुझे दिखाई दे रहा है जो ब्रेक्स है ये ब्राउन कलर का लाइन का नीचे आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है आपने एंट्री कहाँ पर लिए थे इस कैंडल पे 12:50 पे, और 3:30 बजे जाके ये बाय का कॉल का एग्जिट बन रहा है। तो इसीलिए एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एग्जिट प्रोमिनेंट हो गया प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ब्रिक्स ब्राउन कलर का लाइन का नीचे मूवमेंट कर रहा है, मार्केट फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बट इस टाइप का सिचुएशन में ट्रेड नहीं करने से ही बेटर होगा क्योंकि दिस इज नॉट सेफ जोन। तो चलिए देखते हैं अल्टीमेट फाइनली क्या होता है। अब देखिए धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये जो ब्रिक्स है ये यहीं पर आपको बता दिया था पोजिशन को छोड़ देना है, उसका बाद दोबारा एक बार ऊपर गया, वो भी कितना ऊपर गया, वही रेजिस्टेंस तक, जो रेजिस्टेंस मेरा ऑलरेडी एक बार बुक हो चुका है वही रेजिस्टेंस को दोबारा टच किया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर फ्रेश कॉल के लिए वेट करेंगे। देखिए ब्रिक्स डाउन की तरफ है, नीचे का रिबन रेड हो गया है, बट अभी भी यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं बना है, कोई स्टार नहीं बना है। अब यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे कोई फ्रेश सिग्नल के लिए, देखते हैं फाइनली सिग्नल कहाँ पर बनता है। जैसे ऑलरेडी सिग्नल यहाँ पर बन गया है, सिग्नल जैसे ही बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बॉक्स जो था ब्लू कलर का वो चेंज होकर रेड कलर का बॉक्स आ गया है। अब इसमें भी सेम वही कंडीशन देखना है, नीचे का रिबन देखिए रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट इस सेल का कॉल में अभी तक स्टार नहीं बना है, तो आपको स्टार के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना है। ये कैंडल का जो क्लोजिंग वैल्यू है वहाँ पर स्टार कन्फर्म कर दिया, स्टार हमेशा कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में कन्फर्म करता है, मतलब आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में। और बाइंग का टाइम जैसे मैंने बताया ऊपर का ग्रीन डॉटेड लाइन रेजिस्टेंस है, वैसे सेलिंग का टाइम नीचे का जो रेड डॉटेड लाइन है ये आपका सपोर्ट है। मतलब मैं अगर यहाँ पर सेल कर रहा हूँ ये रेड डॉटेड लाइन मेरा एक अंदाजा है जो शायद ही इतना दूर तक प्रॉफिट मुझे दे सकता है। बट मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, कितना प्रॉफिट देगा नो बडीज नोस, फॉलो कीजिएगा हमेशा एग्जिट का तरफ। देखिए यहाँ पर एग्जिट आने का बहुत पहले ही मार्केट में बहुत रैपिडली आपको अपना प्रॉफिट देके निकल गया, तो मार्केट काफ़ी शानदार रहा। यहाँ पर भी मैं 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट बना लिया हूँ, अभी भी सॉफ्टवेयर ने एग्जिट नहीं करा रहा है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ जैसा ये जो कैंडल आप ध्यान से देखिए ये एक हैमर कैंडल जैसा बना है, यहाँ पर समझना है मैं अगर ऑलरेडी मार्केट का इतना नीचे आ गया हूँ, सपोर्ट लाइन को हिट कर दिया है, ब्रेकडाउन को हिट कर दिया है, उसके बाद एक हैमर जैसा कैंडल बन रहा है, तो दिस इज़ अ क्लियर साइन जो आपको यहाँ से प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। और हम लोग का सॉफ्टवेयर में भी देखिए अगर आप देखेंगे ये जो ब्रिक्स है यहाँ पर अभी ब्राउन कलर का लाइन को तोड़ भी रहा है, मतलब आप यहाँ पर एग्जिट करने के लिए बोल रहे हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा पहले निकल जाऊँगा तो ये माइनस, मतलब ये जो प्रॉफिट है आपका माइनस नहीं होगा। तो इस हिसाब से कॉल चलते रह रहा है। देखिए फाइनली बाइंग का कॉल बन गया, अब वही सेम चीज़ को रिपीट करना है। देखिए ब्रिक्स आपका फेवर में है, बट यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना है, नीचे का रिबन अभी जाके यहाँ पर ग्रीन हुआ है, स्टार बहुत लेट में बना। अब ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है, बहुत टाइम हम लोग देखते हैं स्टार बहुत बाद में बनता है, तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट है। हम लोग जितना बार देख रहे थे पहला बाय का कॉल में एक कैंडल बाद स्टार आ गया था, सेल का कॉल में सिग्नल का साथ देखे स्टार आ गया था, तो स्टार कहीं पर भी आ सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। स्टार आने का बाद ही आपको एंट्री लेना है, और अगर आपको लग रहा है स्टार ऑलरेडी बहुत लेट में आया है तब तक मैं तो प्रॉफिट मेरा हाथ से निकल गया है, तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं भी ले सकते। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आप एंट्री ले भी लिए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका हाथ में एग्जिट करने के लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट है, वह है नीचे का ब्रिक्स। देखिए अगर आप स्टार का बाद भी एंट्री लेते हैं तो अभी भी आके आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे, ब्रिक्स अभी भी आपको तोड़ा नहीं है ब्राउन कलर का लाइन को, मतलब टिल नाउ यू आर कैरी ऑन इन द बाइंग ट्रेंड। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, इसीलिए मेरा फोकस एग्जिट पे होता है। अगर पहले कंडीशन मैच होते जाता है स्टार आ जाता है दिस इज़ वेरी गुड, अगर कभी कभार स्टार बाद में आता है तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपका हाथ में एग्जिट का ऑप्शन है, जब तक एग्जिट नहीं आएगा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था फुल डे का परफॉर्मेंस, काफ़ी इजीली मैं समझाया जो सुबह से लेके कितना कॉल बना, क्या क्या कंडीशन देखे, और एंट्री कहाँ पर मिला एंड एग्जिट कहाँ पर मिला। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पे हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।